हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्रो मैडम में। और आज की वीडियो हमारे पास ये वुडन स्पीकर, इसे आप परचेस कर सकते हैं मीशो से, वो भी 500 रुपये के अंदर अंदर। तो उसी की टेस्टिंग करने वाले हैं आज की, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कैसा इसका बैटरी बैकअप, वो क्या क्या हमें इसमें फंक्शन मिल जाते हैं, सारे कुछ टेस्ट करेंगे। तो वीडियो के अंदर बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट से, और इसके अंदर कुछ आपको इस टाइप का ये स्पीकर मिल जाएगा। बॉक्स में और कुछ नहीं है, खाली है। तब अब से इसका जो है पॉलिथिन बता देते हैं इसका, इस तरीके से तो हमको स्पीकर कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। काफ़ी लाइट वेट हैवी नहीं है बिल्कुल भी, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लकड़ी है, ठीक है। आगे ये मैट जाली लगी हुई है। ऊपर की तरफ हमको ये एक हैंडल मिल जाता है, और उसके बराबर में ये एक जो है स्टैंड है मोबाइल, इसमें आप अपना रख सकते हैं बड़े आराम से। मैं इसमें मोबाइल रखते देखता हूँ, किस टाइप से बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल इसमें फिक्स कर सकते हैं, इसमें रख के अपने गाने वाने बजा सकते हैं। तो ये चीज़ तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसकी, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा फोन मोटा होता तो काफ़ी टाइट वे फिक्स जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके पीछे जो है एक मॉड्यूल लगा हुआ मिल जाता है, जिसमें आपको USB वाला स्लॉट मिल जाता है, चार्जिंग के लिए आपको microUSB पोर्ट मिल जाता है, ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन ऑफ जाता है, यहाँ पे ऑफ का भी आपको पोर्ट मिल जाता है। इसमें आप ऑफ केबल लगा के जो है गाने को प्ले वगैरह कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए इसमें आपको ये स्क्रॉल वाला टम मिल जाता है, इसमें आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसकी मदद से। एक microSD स्लॉट भी मिल जाता है, इसमें आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगा के गाने को प्ले कर सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। फटाफट से इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है। फटाफट से पहले इसको ऑन कर लेता हूँ, और में आपका स्वागत है। ओहो, क्या क्या अंग्रेजी पढ़ दी ने। फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या MD-29। बहुत टाइम लगा रहा है सर्च होने में। EMI न्यू टैक ये बना हुआ, ये बोला था अभी इसने। बहुत ओहो, कनेक्टेड हो गया। आवाज़ तो बहुत तेज है इसमें, देखते हैं कैसी। वो एक्टिव म्यूजिक प्ले कर देता हूँ, नॉन कॉपीराइट। वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद जो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई। 500 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेकार है, मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। मतलब 500 रुपये के अंदर और भी बेहतरीन स्पीकर आपको मिल जाते हैं, मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है उन स्पीकर्स की, आप चैनल पर आके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं उन वीडियोज़ के लिए। तो 500 रुपये के हिसाब से मुझे ये स्पीकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसमें वो आवाज़ सबको नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल जो आरती सुनने के लिए या फिर जो प्रवचन वगैरह सुनते हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए भी क्या ही फ़ायदा लेके, क्योंकि 500 रुपये के अंदर आपको बेहतरीन स्पीकर मिल जाता है, उसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं। और ये दिखने में अच्छा है पर इसका स्पीकर ज़्यादा अच्छा नहीं। मैं आपको ये जाली हटा के दिखाता हूँ, स्पीकर दिखाता हूँ किस तरीके का इसमें लगा हुआ है। ये हो जाओ ओपन, ठीक है। ये देखिए इसकी जाली हटा, जाली तो अच्छी लग रही है, पर ये स्पीकर देखिए कितना पुअर क्वालिटी का इसमें लगा हुआ है, स्पीकर की वजह से इसमें साउंड ज़्यादा बढ़िया नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो इसकी जो बैटरी है, मैंने इसको चार्ज किया लगभग डेढ़ घंटे के बाद भी है इसमें जो है रेड इंडिकेटर ऑन रहा, कोई भी फुल चार्ज बैटरी का इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ था। तो इसमें कोई फुल चार्जिंग का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि भाई बैटरी फुल चार्ज होगी, अब हटा दो उसके लिए, चार्जिंग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंदाजे से जो है 1 घंटे लो चार्ज कीजिए, अगर फुल डाउन हो गया है तो उसके बाद जो है इसको प्लग आउट कर दीजिए अपने हिसाब से।
और बाद में उसके बैटरी बैकअप की तो जो है लगभग लगभग जो है मैंने उसको 3-4 घंटे चलाया आराम से, चल गया था। उसके आगे मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन उसके डिब्बे पर 8 घंटे का बैटरी बैकअप लिखा है, तो 8 घंटे का मुझे नहीं पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसमें कोई MAH वगैरह लिखा नहीं हुआ कितने MAH का इसमें बैटरी पड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से मैंने अपने बता रहा हूँ कि जो मैंने इसको चलाया लगभग 3-4 घंटे चलाया वो आराम से चल गया था। तो मेरा यही रहेगा कि आप इसको ना परचेस करें, इससे बेहतर स्पीकर आपको मिल जाते हैं तो आप वो परचेस कर सकते हैं, उनकी वीडियो चैनल पर आकर देख सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक प्लीज़ बाय।